अर्पिता, कल 15 जून है, वो दिन जिस दिन तुम मुझसे दूर चली गई थी, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन का हर लम्हा मुझे याद है अर्पिता। मेरी जिंदगी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया अर्पिता। आई मिस यू अर्पिता। यशी, तो मैं कह रही थी कि कल 15 जून है, पलक का बर्थडे, आपकी बड़ी बेटी का जन्मदिन। कल इतने सालों बाद वो अपना जन्मदिन मना रही है, वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। और यश जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए थी। वैसे मैं सारी साथ दीजिए। मुझे जरूरी काम से जाना होगा। यशी, I'm sorry, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो पलक की खुशी के लिए कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी पलक की खुशियां बहुत मायने रखती है। माफ कीजिएगा यश जी, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप कुछ पलों के लिए अपने गम को भूलकर पलक की खुशियों में शामिल हो जाए। मैं जानती हूं आपने ये दूसरी शादी इसलिए नहीं की ताकि आपको एक धर्म पत्नी मिले, बल्कि इसलिए कि ताकि आपकी बच्चियों को एक माँ मिल सके। और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं पलक और पायल की माँ बन सकूं, और कल पलक का बर्थडे इस कोशिश की तरफ मेरा पहला कदम है। इसलिए यश जी, मैं नहीं चाहती कि मुझसे ऐसा कुछ भी हो जाए जिससे पलक मुझसे और भी ज्यादा दूर चली जाए। अगर आज आप मेरा साथ दे देंगे तो हो सकता है कल पलक को मुझ में उसकी माँ मिल जाए। वैसे मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी, वैसे तो मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। अब और मैं सोच रही थी कि वो मैं 2 मिनट से ज्यादा भी लग जाए। मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस अभी दिखा देती हूँ।
बस इतनी सबको तैयारी की है, आपको क्या लगता है मेरी सारी तैयारी परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है। आरती जी, आप पलक की खुशी के लिए जो भी कर रही हैं उसके लिए थैंक यू। सब इस दिल की तो मुश्किल है। आपके इस थैंक यू ने मुझे बहुत हौसला दिया है यशी, और अब यही हौसला मुझे पलक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में मेरी मदद करेगा। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है जिससे पलक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और वो मुझे अपनी सगी माँ के रूप में स्वीकार कर ले। पलक, आप जानते हो आपके सारे फ्रेंड्स के नंबर मैंने ले लिए हैं, कुछ प्रतीक चाचू से और कुछ तुम्हारे स्कूल से। अब तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे आएंगे तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर, बहुत मजा आएगा। और मैंने उनको खुद पर्सनली फोन करके इनवाइट किया है, उनके पेरेंट्स उनको भेज देंगे। मम्मा मेरे भी फ्रेंड्स आएंगे ना? और पायल के? हाँ बाबा, तुम सबके फ्रेंड्स आएंगे। ये, 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 ये। मेरे फ्रेंड्स नहीं आएंगे। क्यों? मैंने कभी बर्थडे पार्टी दी नहीं, सबको लगता है मैं कंजूस हूँ, से कोई बात नहीं करता, मेरे सारे फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं मुझे। अंश, सॉरी पलक। जाइए प्रतीक चाचू के पास देकर आइए कि वो सारे चॉकलेट्स लाए नहीं लाए, कम पड़ गई होंगी तो और मंगवानी होंगी ना। पायल को भी साथ में ले जाओ। जाओ। चल पायल। इधर आओ। मेरे पास एक आइडिया है, आप अपने फ्रेंड्स को सॉरी बोल दो, उससे वो आपकी बर्थडे पार्टी पर भी आ जाएंगे और मान भी जाएंगे। मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूंगी। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको जो बोलूंगी आप वैसे ही करेंगी। सोचिए कल जब आपकी मम्मी आएंगी और वो देखेंगी कि पार्टी में पलक के तो फ्रेंड्स ही नहीं आए तो उन्हें कितना खराब लगेगा, कितना बुरा लगेगा। अगर सॉरी कह देने से चीजें ठीक हो जाती हैं तो उसमें खराबी क्या है? बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। सचमुच मेरी मम्मी आएगी मेरे बर्थडे पर? और अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं आएंगे तो मम्मी को बुला लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सबको सॉरी कह दो। शाबाश, वेरी गुड। क्यों ही ना बात। पहले मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी मम्मी आएगी मेरे बर्थडे पर। प्रॉमिस? वो जरूर आएंगी। थैंक यू। ये कैसा वादा किया है तूने पलक से? कहां से लाएगी तू उसकी माँ? बेटा तू क्या करने जा रही है, होश में तो है? मैंने पलक से जो वादा किया है मैं वो निभाऊंगी माँ। मैं अर्पिता जी को पलक के सामने लाऊंगी और मैंने सोच लिया है कैसे। क्या हो गया आरती तुझे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? बेटा बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मत कर ऐसा। पलक और पायल की माँ इस दुनिया में नहीं है, कहां से लाएगी तूने? मैं खुद अर्पिता जी बनकर पलक के सामने आऊंगी। मैं सही मायने में बनूंगी अर्पिता जी, पलक और पायल की माँ। अर्पिता जी की छाया, ये कैसे हो सकता है?
नहीं आरती, नहीं ये सही नहीं। बेटा जिस मंजिल को तू पाना चाहती है वो सही है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो तूने रास्ता चुना है वो गलत है। सोच बेटा, सोच इस बात का क्या नतीजा होगा। सब ठीक होगा माँ, पलक और पायल को उनकी माँ मिल जाएगी और मुझे उनका प्यार। और इसी मकसद से तो मैंने दोबारा इस घर में कदम रखा था। लेकिन यश जी को पता है जो तू करने जा रही है? आरती जी, मैं ये कहने आया था कि आप हमारे साथ खाना खाकर ही जाइएगा। नहीं बेटा, बुरा मत मानना, काफी देर हो गई है, मुझे चलना होगा। असल में आरती के बाऊजी को सही समय पर खाना और दवाइयां देनी है। फिर तो मैं भी आपको रोक नहीं सकता, लेकिन कल आपको और बाऊजी को घर आना होगा, पलक की बर्थडे पार्टी है, आइएगा। हम जरूर आएंगे, तो मैं चलूं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, वो आरती के बाऊजी को यहीं कोई जरूरी काम था तो उन्होंने मुझे चौराहे पे मिलने के लिए कहा है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। जी मैं चलती हूँ बेटा। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी कर। नमस्ते जी। आरती जी, जी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं नहीं अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? आपने पलक से ऐसी क्या बात की कि वो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए राजी हो गई? जी मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि पलक बर्थडे पार्टी मनाने के लिए राजी हो गई। मैंने कहा था ना आपको, सीक्रेट वाली बात है, और सीक्रेट वाली बात अगर पहले ही बता दो तो सीक्रेट का मतलब क्या रह जाएगा? थोड़े पेशेंस रखिए, कल तक आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो पलक की खुशी के लिए कर रही हूँ, और पलक की खुशियों में ही आपकी खुशी है, है ना? इस बार आपको क्या गिफ्ट चाहिए? इस साल गिफ्ट तो मुझे नई मम्मी देने वाली है। लेकिन आपने मांगा क्या है बताओ?